ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। महाभृंगराज तेल सुंदर, घने और मजबूत बालों के लिए, बालों का झड़ना रोकने में सहायक। एनसीपी में बगावत के ठीक दो हफ्ते बाद अजीत पवार और उनके साथी मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को अचानक बताया जा रहा है। शरद पवार के साथ ये मीटिंग विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुई है। 17 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। बैठक के बाद बगावती गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने शरद पवार से विनती की है कि वो पार्टी को जोड़कर रखें। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने पवार साहब से आशीर्वाद भी लिया है, हालांकि शरद पवार की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीते दो दिनों में अजीत पवार की अपने चाचा शरद पवार से ये दूसरी मुलाकात है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए बाकी नेताओं के साथ उनकी ये पहली मुलाकात थी। 2 जुलाई को अजीत पवार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। शरद पवार के करीबी और पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी बगावत की थी, लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। इंडिया टुडे से जुड़े साहिल जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत पवार ने शरद पवार से माफ़ी मांगी। पार्टी के सभी नेता अचानक पहुंचे थे। शरद पवार YB चौहान सेंटर में कोई और मीटिंग कर रहे थे। अचानक अजीत पवार अंदर आ गए और उन्होंने शरद पवार का पैर छू लिया। 5 जुलाई को MET कॉलेज में जो भी हुआ उसके लिए अजीत ने माफ़ी मांगी। इसके बाद छगन भुजबल भी अंदर आए और कहा कि भगवान को अपने भक्तों को उनके पाप के लिए माफ़ कर देना चाहिए। फिर एक एक कर सभी मंत्री चैम्बर में आए और सभी उनके पैर छूने लगे, लेकिन शरद पवार ने एक शब्द नहीं बोला। 20 मिनट बाद सभी मंत्री वहां से निकल गए। दरअसल 5 जुलाई को मुंबई के MET कॉलेज में ही अजीत पवार ने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया था। अजीत पवार ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार उनके गुरु और नेता हैं, लेकिन अब वो 83 साल के हो गए हैं। अजीत ने शरद पवार से रिटायर होने की अपील करते हुए कहा था कि आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद प्रफुल पटेल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय, हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहाँ पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबल जी, माननीय दिलीप वळसे पाटिल, माननीय हसन मुशरिफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवर साहब, सभी आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई, आपके पास न जवाब है न प्रश्न, हम आपके लेने वाले हैं। इस मीटिंग पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में नहीं पता है। फडणवीस ने कहा कि सालों से शरद पवार सरकार में शामिल हुए NCP विधायक के नेता रहे हैं, इसलिए वो उनसे मिलने गए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होना चाहिए। इससे पहले 14 जुलाई को अजीत ने शरद पवार से मुलाकात की थी। उसी दिन शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार सर्जरी के बाद घर वापस आई थी। मुलाकात के बाद अजीत ने कहा कि वो अपनी चाची से मिलने गए थे क्योंकि वो अस्पताल में थी। वहां शरद पवार के साथ सुप्रिया सूले भी मौजूद थी। अजीत पवार ने कहा कि उन्हें चाचा ने शिक्षा विभाग से जुड़ा एक लेटर भी दिया है। ये लेटर 2021-22 का है। उन्होंने कहा कि शरद पवार उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आदरणीय भी हैं। उनके चैम्बर में अब भी शरद पवार की तस्वीर है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मैंने हारिका यादव। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।